What's up guys, मैं बॉम्बे से दिल्ली आ गया था। मैंने, जैसे कि आप सेटअप से देख पा रहे हो, मैंने एक अनबॉक्सिंग दो एक्चुअली दो स्नीकर्स की अनबॉक्सिंग कर ली। अब मैं स्टूडियो में बैठा हूँ क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ सुनील भाई की, जो मेरे लिए जुकाम हो गया। मेरे को एकदम बॉम्बे गए ना, वार्म वेदर से दिल्ली में ठंड में आके थोड़ा सा मुझे जुकाम जुकाम लग रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ सुनील भाई की, जो मेरे लिए करोलबाग से हेलमेट ला रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे में, अगर आपने देखा हो लास्ट व्लॉग में, मैं स्कूटी पे बैठा था। स्कूटी पे बैठ के मेरे को लगा कि यार स्कूटी ना चलानी भी चाहिए। तो मेरा पुराना क्रैश के बाद मेरा जो पुराने हेलमेट थे वो कहीं पैक थे, नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा कौन हेलमेट ढूंढेगा, मैंने नया हेलमेट मंगा लिया। और मेरे पुराने राइडिंग जैकेट्स भी मेरे को फिट नहीं आ रहे थे, नया राइडिंग जैकेट मंगा लिया। तो आप शूज़ की अनबॉक्सिंग के बाद मैं अपना नया हेलमेट अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा और फिर हम चलेंगे राइड पे। तो गैस, मेरे को नीचे से पता चल गया कि मेरा सामान आ गया, मेरा नया हेलमेट आ गया है। ये जो चीज़ें आप टेबल पे देख रहे हो, मैंने पहले फैला ली, क्योंकि हेलमेट आने से भी पहले मैंने हेलमेट की कुछ एक्सेसरीज़ मंगा ली, जैसे कि ये गोप्रो कैमरा लगाने का, ये शायद माइक है, अभी मैंने खोला नहीं है ये चीज़ें, ये 360 कैमरे का ब्रैकेट है। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अरे सुनील भाई कहाँ रह गए यार, फ़ोन करता हूँ। फ़ोन कहाँ है बहन, छोड़, सॉरी बैड लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज। सुनील भाई आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है, कहाँ रह गए? आ गए सुनील भाई, व्हाट्सअप। तो ये यहाँ जैकेट, रखो जैकेट मेरी। आ लवली, थैले में क्या क्या है? थैले में है ग्लव्स, हाँ दोनों हैं इसमें, दो ग्लव्स, वो एक सर्दी वाली है ना, अब तो सर्दी का टाइम है सर, तो फिर एक ही लाते ना, मैं समर ग्लव्स का क्या करूँगा। उन्होंने दिए दो ग्लव्स। चलो ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो। पैंट कहाँ है? वेयर इज द पैंट? पैंट तो लिया नहीं था ना सर, पैंट पैक क्यों? थोड़ी ना किया था हमने, अरे यार सुनील भाई, ले आते यार पैंट, फिर जाओगे करोल बाग पैंट लेने। ले आएंगे सर, अब चलो ट्राई ठीक है, करेंगे कुछ थोड़ा। काटने कूटने के लिए। डब्बा इतना गंदा क्यों हुआ? ऐसे ऐसे अनबॉक्सिंग करेंगे लैंडी डब्बे की? डब्बा ऐसे ही दिया सर उन्होंने। चलो ठीक है, ओके सुनील भाई बैठ जाओ, कहीं सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ भाई व्लॉग के बीच में, फ्लो फ्लो। तो गाइस, मेरा सामान आ चुका है। ये है मेरा नया हेलमेट, और ये है मेरी नई जैकेट, और ये है मेरे नए ग्लव्स। तो बारी बारी करते हैं। साइज क्या है जैकेट का? एक्सेल? यार डबल एक्सेल भी एक उठा लाते, एक वापस हो जाती सुनील भाई, यार नहीं आई एक्सेल। तो गाइस मैं ना जल्दी से जरा एक्सेल ये ट्राई करता हूँ। यार हुडी पहनी है, हुडी के ऊपर नहीं आएगी, बाद में ट्राई करूंगा, बट इसको कहीं साइड रख दो। हेलमेट देखना यार, हेलमेट वही लाया हो जो मैंने दिखाया था आपको, सेम डिजाइन। तो गैस मैं बहुत ज़्यादा लेजी इंसान हूँ, एंड मैं हेलमेट खरीदने के लिए मैं सोचा कौन जाएगा। मैंने सुनील भाई को फोटो दिखाई और मैंने कहा ये ले आओ। और अबे यार खुल नहीं रहा। हाँ, और हेलमेट आ गया। ये क्या है? हेलमेट के कपड़े, हेलमेट का यार नीचे रख लेते हैं, ऐसे ना निकाल नहीं पा रहा मैं। ये रहा मेरा हेलमेट, हटा दिया डब्बा, डब्बे का कोई काम नहीं है गैस। ये है मेरा हेलमेट। क्या सुनील भाई यार, टेपे टूपे उतार के लाते हैं ना ये, क्या आप गैस। ये है मेरा हेलमेट, एंड इट इज एक्चुअली लुकिंग प्रिटियर देन, ये एक्चुअली जेन्यूनली ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। साइड वाले कैमरे तुम भी देख लो, एक्चुअली ओरिजिनल जो मैंने डिज़ाइन देखा था उससे ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इस चीज़ को भी फेंक देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ग्लव ट्राई करते हैं। सुन भाई, ग्लव लार्ज लार्ज लाए हो ना दोनों? तो हाथ तो बड़े छोटे नहीं होते शायद, लार्ज हाथ लार्ज ही रहेंगे ना। तो इस ग्लव्स भी ट्राई कर लेते हैं। अरे फंस गई उंगली, आ गई। तो ग्लव ठीक लग रहा है। अरे जब लेफ्ट ठीक है तो राइट भी ठीक ही होगा ना, कितना मैं स्टुपिड हो जाता हूँ कभी कभी। सुनील भाई दोनों वाटर प्रूफ हैं? ठीक है, तो गैस वाटर प्रूफ ग्लव्स हैं। एक ट्राई कर लेता हूँ, एक आ जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हम राइड पे जा सकते हैं। राइड पे जाने से पहले इस हेलमेट को मेरे को वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं वर्ड क्या होता है, मोटो व्लॉगिंग रेडी। तो चीज़ें खोलते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। इन सारी चीज़ों के मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, अगर आप
लोगों को भी ये चीज़ें ख़रीदनी है। ये एक स्ट्रैप है हेलमेट हेलमेट पे लगाने का, तो ये कैसे लगेगा गैज, आप लोगों को मैं ये बोर नहीं करूँगा ये दिखाते हुए कि ये कैसे लगेगा, तो मैं क्यों नहीं सीधा ये लगा लगूँ के गिर गया पहनचो, सॉरी बैड लैंग्वेज। हाँ तो मैं कह रहा था मैं क्यों नहीं ये लगा लगूँ के आप लोगों से रिकनेक्ट करूँ, और एक छोटा सा मैं वो डाल दूँगा, क्या कहते हैं, पहले चीज़ें खोल लेते हैं सारी, फिर एक छोटा सा टाइम लैप्स डाल दूँगा इसको सबको फिट करते हुए। ये शायद वो होगा मेरा माइक। शाउट आउट टू दीप रंजन सचन जिन्होंने हु वॉज काइंड इनफ टू मेक अ वीडियो ऑन ऑल दीज थिंग्स। उन्हीं का वीडियो देख के मैंने ये ऑर्डर किया, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हमेशा शाउट आउट देना चाहिए, तो वंस अगेन शाउट आउट टू दीप रंजन सचन, और उन्हीं को देख के मेरे को BMW 850 GS लेने का भी मन कर रहा है। ये एक डेटा वायर है और ये है मेरा माइक, माइक खोलते हैं। चलो छोड़ो, आपको दिखा तो दिया ही, अब फिर से रिकनेक्ट करूँगा एक बार जब मेरे हेलमेट पे GoPro लग जाएगा, तो सी यू इन अ बिट। तो हेलमेट मुझ पे ऐसा लग रहा है, GoPro मैंने लगा दिया है, अब एक्चुअली हेलमेट से सुनते हैं, GoPro की माइक से सुनते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। दिस इज टू चेक द लेवल ऑफ द माइक, चेकिंग लेवल ऑफ द माइक विद वाइजर ओपन, चेकिंग लेवल ऑफ द माइक विद वाइजर क्लोज्ड, ऑडियो टेस्ट कंप्लीट। तो गाइस, सुनील भाई जो मेरे लिए गियर लाए थे वो मैंने पहन लिया है, और अब मैं इस स्कूटी पे राइड करने जाऊंगा और फिर देखूंगा। आज शायद घूमते हुए करोल बाग जाएंगे, कल रात को पार्टी ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ा सा हंग ओवर हूँ, शायद ज़्यादा दूर ना जाऊँ, बट आज एक्सीडेंट के बाद पहली बार राइड करेंगे। तो दूध का जला जो छाछ फूक फूक के पीता है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट स्कूटी से भी महंगा गियर पहन रखा है खुद को सुरक्षित करने के लिए। और पता नहीं मैं करोल बाग जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, मैं पहले अभी तो मुझे ठीक लग रहा है एक्चुअली, बट मैं अभी अपनी कॉलोनी से बाहर निकला ही नहीं हूँ, मेन रोड पे जाऊँगा, ट्रैफिक देखूँगा, तब समझ आएगा कि अपनी कैपेबिलिटी कितनी है। खैर मैं मेन रोड पर आ गया हूँ यार, मेरे को ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। कभी कभी होता है कि कोई गाड़ी अगर तेज़ निकल जाती है बगल से तो थोड़ी घबराहट होती है, बट अदरवाइज़ बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। आई एम अ रॉक स्टार ऑन टू व्हील्स, मतलब एक्सीडेंट के बाद जो मेरे को लग रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा या मैं कभी बाइक नहीं चला पाऊँगा या घबराहट रहेगी, कोई चक्कर ही नहीं है गाइस, कोई मतलब घबराहट वबराहट का तो सीन ही नहीं है। मुझे लगता है नेक्स्ट राइड सीधा मोटरसाइकिल पर मारी जा सकती है, और मोटरसाइकिल पर मारने के लिए राइड मोटरसाइकिल ख़रीदनी पड़ेगी। और मैं इस हफ्ते जाके कभी मोटरसाइकिल ख़रीद लूँगा, शायद नहीं यार, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है अगले व्लॉग में अपन मोटरसाइकिल ख़रीदेंगे फॉर श्योर। तो गाइस मैं करोल बाग आ गया हूँ, अब मैं पता नहीं क्यों आया हूँ, मेरे को ना एज सच कोई पर्पस नहीं था, बट मैं एक्साइटमेंट में ना, कि हर राइडर का ना एक अजीब रिश्ता होता है करोल बाग से, तो बस वो रिश्ते के तहत मैं करोल बाग आ गया विद नो प्रिसाइस पर्पस। अब आया हूँ करोल बाग तो भटकूंगा थोड़ा, चलो सुनील भाई आओ, चोपड़ा अंकल को हेलो बोल के आते हैं। हाँ गाइस मैं सुनील भाई को साथ में लेके आया हूँ कि अगर मैं थक जाऊँ या कुछ हो जाए तो मैं स्कूटी कहीं पे भी छोड़ के घर कैब में चला जाऊँ, फिर उनकी हेडेक होगी स्कूटी वापस घर लाना। बॉबी अंकल वाला कहते हैं लेफ्ट और राइट पे मेरे नाई वाला चल रहा है, और आप देख पा रहे होगे कि ये यूज्ड बाइक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, और कभी यूज्ड बाइक्स ख़रीदनी हो तो आ जाना। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा नई चीज़ लेना, और आप भी नई चीज़ लेना। मैं उम्मीद करूँगा आप सबकी लाइफ में इतनी ग्रोथ हो गया आप नहीं ख़रीदो, लेकिन अगर मन करे यूज़ ख़रीदने का फिर भी तो नए वाला में वो लेफ्ट एंड राइट पे यूज़ मार्केट है। सुपर बाइक्स के लिए आई वुड सजेस्ट करोल बाग मत आना, मैं अलग से व्लॉग बना दूंगा कि कहाँ कहाँ सुपर बाइक्स अच्छी मिलती हैं यूज्ड। भाई मैं सुनील भाई के पीछे जा रहा हूँ, एक जगह हम जा रहे हैं टॉप बॉक्सेस देखने। टॉप बॉक्सेस वो जोमेटो वाले डब्बे होते हैं जिसके
जिसमें लोग पिज्ज़ा रखते हैं। सुनील भाई कह रहे थे स्कूटी में उनके टॉप बॉक्स होना चाहिए कि वो पार्ट टाइम जोमेटो डिलीवरी कर सकें। वक्त ख़राब करके करोल बाग की गलियों में मैं वापस जा रहा हूँ, वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बाइक चला सकता हूँ। और अब कल परसों में मैं प्लानिंग करूँगा बाइक ख़रीदने की, अब बाइक ख़रीदी जाए। फॉर सम रीज़न ना मैं, और अभी मेरा मन था CPVP कहीं और जाने का, बट आई थिंक कल रात को या तो ज़्यादा हो गई, हैंगओवर हो रहा है, पता नहीं। मैं एक्चुअली हैंगओवर पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं दिन में ठीक था, मेरे को ना पूरा दोपहर शाम ठीक लग रहा था। मैं जब से हेलमेट पहन के निकला हूँ, आई डोंट नो, या तो हेलमेट पहनने की आदत ख़त्म हो गई है, सर मेरा बड़ा अंदर ऐसा लग रहा है, पिचक रहा है हेलमेट के अंदर, एंड नोवट सर दुखा जा रहा है। वरना मेरा मन तो था कि CPVP कहीं तो भी और मचा के आते, बट अब मैं सीधा घर जाऊंगा वापस और इस व्लॉग को एंड करूंगा। और गाइस ऐसे ही मज़े मज़े में हम वापस भी पहुंच गए और सुनील भाई पीछे रह गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आया हुआ और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ठीक है नहीं वैसे, पर कोई बात नहीं। तो अब घर जाके फिगर आउट करेंगे कि अपन बाइक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आज ज़रा अकाउंट में देखा जाए कि कितना पैसा है, क्योंकि किश्तें जिंदाबाद, किश्तों पे ही तो सपने पूरे हुए हैं लोगों के, तो बाइक लेनी बनती है। और यस बट गाइस पता नहीं यार, सर दुख रहा है मेरा, एक्साइटमेंट भी और सर दुख ही जा रहा है यार। और जब से हेलमेट पहना है, जब से बाइकिंग कर रहा हूँ ना, तब से सर दुख रहा है, तो पता नहीं। आई जस्ट होप हेलमेट का साइज़ गलत ना हो, क्योंकि अब तो वापस भी नहीं होगा, राइड मार ली मैंने, अब रियलाइज़ हो रहा है गलती करी, खुद जाना चाहिए था हेलमेट लेने। सुनील भाई को कहा जाओ जाके हेलमेट ख़रीद लो, लेकिन मैंने साइज़ तो अपना ही मंगाया, मैं यूजुअली मीडियम लार्ज पहनता हूँ। बाय द वे गाइस, मीडियम लार्ज का मतलब ये नहीं है या मीडियम या लार्ज, मीडियम लार्ज एक साइज़ होता है। सो देयर इज स्मॉल, देयर इज मीडियम, देयर इज मीडियम लार्ज, देन देयर इज लार्ज। और मैं आगे अपनी कॉलोनी में तो वीडियो किल कर देता हूँ। गाइज मैं घर आया अभी, मैंने हेलमेट उतारा और मैं बार बार कह रहा था ना शायद मुझे हैंगओवर हो रहा है इसलिए मेरा सर दुख रहा है। मैं अब रियलाइज हुआ मेरी जटाएं जैकेट में फंसी हुई हैं और मेरी जटाओं की वजह से ऐसे हेलमेट का प्रेशर आ रहा है और इसलिए मैं सर दर्द हो रहा था मेरे को। तो अब कल या परसों में मैं जटाएं काटूंगा, क्योंकि अब मुझे राइडिंग करनी करनी है, मेरे को इस हफ्ते में बाइक खरीदनी खरीदनी है। सुनील भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ, सुनील भाई बाइक खरीद रहे हैं इस हफ्ते। गाइस बाइक खरीद रहे हैं इस हफ्ते। मच लव, साइन इन आउट।